गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक को, जिसका हमारा फर्स्ट पार्ट था जो आपका डेफिनेशंस एंड ग्लोसरी वाला पार्ट था। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन, ये हमारा कम्प्लीट हो चुका था। इनमें हमने डिफरेंसेस भी स्टडी कर लिए थे, एज वेल हमने डिटेल में देख लिए थे एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स को। तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे विद द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन के साथ, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। जब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन की, तो यहां पे देखेंगे सबसे पहला आपके पास में जो होगा, एक ही टाइप हमारे पास होता है, जो कि होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। अब बच्चों, ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि एडजॉर्बेट तो होते हैं पार्टिकल्स जो सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट होते हैं, और एडजॉर्बेंट जो होती है वो आपकी होती है सरफेस। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि बेसिकली क्या होता है, किसी भी सॉलिड के सरफेस पर जब आप कोई गैसेस या लिक्विड के पार्टिकल्स आकर के अक्यूमुलेट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन, जिसमें ये गैस या लिक्विड के पार्टिकल जो आपके होते हैं, गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स, ये तो होते हैं आपके एडजॉर्बेट पार्टिकल्स, और जो सरफेस होती है जिसपे पार्टिकल्स आकर के अक्यूमुलेट होते हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, इनके बीच में जो आप कह सकते हैं एडजॉर्प्शन होता है, वो आपका किस तरह का है, किस तरह का इंटरेक्शन है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं कि आपका जो एडजॉर्प्शन होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है। देखिएगा, टाइप नंबर वन जो आपके पास होगा, दैट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या होगा? फिजिकल एडजॉर्प्शन। एंड टाइप टू जो होगा आपके पास, दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, जनरली इसे हम कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, कई बार इसे हम कहते हैं फिजियोसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन यानी एक तरह से हो गया फिजिकल एडजॉर्प्शन, जबकि इसे कहते हैं केमियोसॉर्प्शन। केमियोसॉर्प्शन यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन। जनरली इस पे जो क्वेश्चन बच्चों आपके पास होता है, वो इन पे डिफरेंसेस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, इन दोनों के बीच आपका डिफरेंस क्या होता है। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका क्या रहेगा और केमिकल एडजॉर्प्शन आपका क्या रहेगा। बात करें अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की, तो ये भी आपका एडजॉर्प्शन है और ये भी आपका एडजॉर्प्शन है, यानी दोनों ही केसेस में आपके पास में जो पार्टिकल्स होंगे गैसेस के या लिक्विड के, वो सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट होंगे। बट इफ एडजॉर्बेट accumulates on the adsorbent with weak van der Waal forces, क्या कह रहे हैं? weak van der Waal forces, weak van der Waal forces आपके पास लेंगे। ठीक है, तो कहने का तो सीधा सीधा ये हो गया आपके पास में कि ये कोई सॉलिड की सरफेस है जिसपे हमारे पास में पार्टिकल्स जो होंगे वो गैसेस या लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, जो जाकर के इसकी सरफेस पर अक्यूमुलेट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वीक फोर्सेस। कौन सा फोर्स होगा? वीक फोर्सेस, वीक वान डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल, कोई भी एडजॉर्बेंट पार्टिकल, सॉरी एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट सरफेस पर वीक वान डर वाल फोर्सेस के थ्रू अक्यूमुलेट होता है, तो उस एडजॉर्प्शन को हम कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। वहीं पर अगर हम बात करें, इफ एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स accumulates on adsorbent with chemical bond, क्या कह रहे हैं? chemical bond से accumulate होते हैं, then it is known as
केमिकल एडजॉर्प्शन, उसे कह देंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। सिंपल, कि कोई भी सॉलिड के सरफेस पर अगर हमारे पास में पार्टिकल्स अक्यूमुलेट होते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड, थ्रू केमिकल बॉन्ड, तो उस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम कहेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। तो देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस इन दोनों में जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि यहां पर एडजोर्बेट पार्टिकल्स जो अक्यूमुलेट होते हैं वो वीकली अक्यूमुलेट होते हैं या वीक वंडरवॉल फोर्स से अक्यूमुलेट होंगे, उसे कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जो एडजोर्बेट पार्टिकल्स किसी सॉलिड के सरफेस पे पर्टिकुलर किसी केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है, जिससे एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में जो आपका इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है केमिकल बॉन्ड के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वाला एडजॉर्प्शन आपका वीक एडजॉर्प्शन है जबकि ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन है। स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं आपके एडजोर्बेंट पार्टिकल एडजोर्बेंट सरफेस पे जबकि इसमें वीकली बाउंडेड होते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए सेकेंड अगर डिफरेंस की बात करते हैं दोनों के बीच में तो कहेंगे क्या, दिस एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। कहने का मतलब नेचर के अंदर ये वाले एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जनरली होते रहते हैं आपके इस तरह के एडजॉर्प्शन। रीजन है उसका ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस, कि इनमें इन एडजॉर्प्शन के अंदर जो आपका एडजॉर्प्शन होता है एडजोर्बेट पार्टिकल्स का एडजोर्बेट सरफेस पे वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू होता है, इसीलिए ये इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं नेचर में, ठीक है। जबकि इधर बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन को लिखेंगे This adsorption is specific in nature. ये आपके नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि केवल यहां पर केमिकल एडजॉर्प्शन आपको तभी देखने को मिलेगा जब एडजोर्बेंट पार्टिकल जो होगा वो एडजोर्बेंट सरफेस के साथ में केमिकल बॉन्ड बना पाएगा। यानी उनमें होना ये चाहिए कि एडजोर्बेंट पार्टिकल जो है ना वो अट्रैक्ट हो या रिएक्ट करे किसके साथ, एडजोर्बेंट सरफेस के साथ, केमिकल बॉन्ड बना पाएगा तभी वहां पे एडजॉर्प्शन पॉसिबल है। इसलिए ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में ये वाले एडजॉर्प्शन, जबकि ये आपके वीक वंडरवॉल फोर्सेस से होते हैं तो ये आपके इतने स्पेसिफिक नहीं होते। यहां बात करें अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की तो कहेंगे दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ये वाले जो एडजॉर्प्शन होते हैं वो आपके रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि जितना जल्दी आपका पार्टिकल्स इस पे एडजॉर्ब हो रहा है वैसे ही आप पे डिसॉल्व भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है इजिली, बिकॉज अगेन ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस से बाउंडेड होते हैं। जबकि यहां पर एक बार केमिकली आप पर रिएक्ट कर जाता है तो उसके बाद उसे वापस से इतना इजिली डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, तो कहेंगे कि ये क्या होते हैं, दीज आर इररिवर्सिबल, दीज आर इररिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो आपका इररिवर्सिबल होता है जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो आपका रिवर्सिबल होता है, ये इजीली रिवर्स हो जाता है, ठीक है। नंबर फोर्थ, द हीट ऑफ, यू कैन से द मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, द मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन is low, which is 20 to 40 kilojoule per mole. जबकि इधर कहेंगे the molar heat of adsorption जो यहां पर होगा आपका वो रहेगा is high, जो लगभग कितना होता है 80 से 240 kilojoule per mole. बच्चों ये क्या चीज है, मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए ऑब्वियसली जब हमारे पास स्टार्टिंग में ये गैसेस या लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं तो इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है और अट्रैक्शन फोर्स इन पार्टिकल्स के बीच कम होता है। दैट मींस ये पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है और ये पार्टिकल्स कौन से, एडजोर्बेट पार्टिकल्स, धीरे धीरे आकर के इसकी सरफेस पे अक्यूमुलेट होते हैं,
तो क्या होता है, ये अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको कि स्टार्टिंग में जब ये पार्टिकल्स इसके सरफेस पे अक्यूमुलेट नहीं हुए थे, तब इन पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत सारी। जैसे जैसे ये पार्टिकल इसके सरफेस पर आकर के अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, अक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं, तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जब एक मोल एडजोबेट पार्टिकल, सुनिएगा बड़े ध्यान से, जब एक मोल एडजोबेट पार्टिकल किसी एडजोबेंट सरफेस पर जाकर के अक्यूमुलेट होता है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है, दैट एनर्जी इज नोन एज मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब बड़े ध्यान सुनिएगा, मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब हो गया ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एडजॉर्प्शन होता क्या है, एडजोबेंट पार्टिकल्स का एडजोबेंट सरफेस पे अक्यूमुलेट होना। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एक मोल जब एडजोबेंट पार्टिकल आपका अक्यूमुलेट होता है किसी एडजोबेंट सरफेस पर, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आपकी रिलीज होती है उसे कहेंगे मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बच्चों आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि जब फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात आती है, तो यहाँ पे पार्टिकल जो होता है वो आपका वीक वंडरवॉल फोर्सेस से अक्यूमुलेट होता है, तो यहाँ एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत कम हो पाती है, ठीक है, क्योंकि वीकली अटैच हुआ है आपका। जबकि केमिकल बॉन्ड जब बन रहा होता है, तो वहां पे आपका इंटरेक्शन जो होता है एडजोबेट और एडजोबेंट पार्टिकल्स के बीच, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो पार्टिकल उतना ही स्टेबिलिटी के साथ में इस पे अटैच हुआ है, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो सीधी सी बात हो गई कि केमिकल एडजॉर्प्शन में मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो रहेगी आपकी वो रहेगी हाई, जो होती है एक मोल एडजॉर्ब होने पर 80 से 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, जबकि इसमें वीक वान डर वाल फोर्सेस होते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में, तो यहां पर आपकी एनर्जी जो रिलीज होती है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल के साथ रिलीज होती है। तो बच्चों फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ पे मैंने अपने 4 डिफरेंसेस कंप्लीट कर दिए हैं, रेस्ट ऑफ डिफरेंसेस हम लिखेंगे अभी, फटाफट से पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट नंबर 5th आता है वो देखिए क्या आएगा आपके पास, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में 4 डिफरेंसेस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ और डिफरेंसेस अभी आपके बाकी हैं वो देखिएगा। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आता है बच्चों, वो आता है गैसेस विच आर इजिली लिक्विफाइड, वो सभी गैसेस जो आपकी इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब पता कैसे लगेगा कौन सी गैसेस आपकी ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं या इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं? जिनका मैं आपको बता देता हूं, जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है हाई, ठीक है, वो गैसेस जो होती हैं वो आपकी मोर लिक्विफाइबल गैस होती हैं। समझ में आ रही मेरी बात आपको, क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि वो सभी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वो गैसेस आपकी इजिली लिक्विफाई गैस होती है, यानी कि इजिली लिक्विड में चेंज हो जाती है वो गैसेस। अब ये बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जाने पर कभी भी कोई भी गैस आपके लिक्विड में चेंज नहीं होती है, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर लगाया जाए। समझाया, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर होगा जिसके अबाव जाने पर कभी भी कोई भी गैस आपकी लिक्विड में चेंज नहीं होती है, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर अप्लाई किया जाए। वी नो दैट कि जब गैसेस पार्टिकल पर हम प्रेशर लगाते हैं तो उनके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, धीरे धीरे वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर आपका वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होगा जिसके अबाव जाने पर कोई भी गैस लिक्विड में चेंज नहीं होती है, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर लगाया जाए। दैट मीन्स ये हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, ये यहां पर आ रहा है आपका, मान लीजिए ये पॉइंट आपका टीसी पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो उसके बाद कभी भी कोई भी गैस आपके लिक्विड में चेंज नहीं होती। अब कोई गैस अगर टीसी ही बहुत ज्यादा है, समझ लो, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 480 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वहां तक पहुंचेगी नहीं, उससे पहले आप उसको इजिली लिक्विड में चेंज कर लेंगे, मतलब उसके पास मोर चांसेस है इजिली लिक्विड में चेंज होने के जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब जैसा क्रिटिकल टेम्परेचर ही बहुत कम है, उस टेम्परेचर में मान लीजिए वो गैस पहुंच गई, तो उसके बाद आप चाहे कितना प्रेशर लगाइए वो लिक्विड में चेंज होगी नहीं आपकी, तो जितना मोर टीसी होगा क्रिटिकल टेम्परेचर वो उतनी ही इजिली लिक्विड में चेंज होगी। तो हम यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि वो गैसेस जिनका टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है,
जिनकी प्रॉपर्टी है इजिली लिक्विड में चेंज होने की, मोर एडजॉर्ब होती हैं, मोर एडजॉर्ब होती हैं जब हम बात करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की, ठीक है। तो ड्यूरिंग फिजिकल एडजॉर्प्शन वो गैसेस जो आपकी इजिली लिक्विड में चेंज होती हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो गैसेस आपकी मोर एडजॉर्ब होती हैं, क्योंकि वो गैसेस आराम से इस एडजॉर्बेंट सरफेस पर आकर के कंडेंस्ड हो जाती हैं इजीली, क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी रखती हैं। जबकि अगर मैं फिजिकल की जगह केमिकल एडजॉर्प्शन में बात करूं, तो ऑब्वियसली आप लोगों को ध्यान है कि केमिकल एडजॉर्प्शन में होता क्या है, गैसेस जो होती हैं वो आपकी जब अक्यूमलेट होती हैं सरफेस से, तो केवल वो गैस ही इसकी सरफेस पे अक्यूमलेट हो सकती है जो इसके साथ केमिकली रिएक्टिव हो बच्चों, क्योंकि यहां तो बात ही केमिकल बॉन्डिंग किया गई है, तो यहां पे अपन प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे कि वही गैसेस इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो सकती हैं जो गैसेस इसकी एडजॉर्बेंट सरफेस से केमिकली रिएक्टिव शो कर दी। तो क्या कहेंगे, दोज गैसेस कैन एडजॉर्ब विच आर केमिकली रिएक्टिव विथ एडजोरबेंट सरफेस विथ एडजोरबेंट। अब एडजोरबेंट आप जानते हो क्या हुआ, एडजोरबेंट का मतलब यहां पे सरफेस से होता है जिसपे पार्टिकल अक्यूमुलेट होना है। तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो वो गैसेस के पार्टिकल जो आपके रिएक्टिव होते हैं इसकी सरफेस से, वो ही इस पे आकर के इससे केमिकली रिएक्ट कर पाएंगे और इसकी सरफेस पे एडजोर्ब हो पाएंगे। तो फिजिकल में ध्यान रखिएगा, वो गैसेस जो आपकी इजिली लिक्विड में चेंज हो सकती हैं, वो इसके सरफेस पे जाकर के मोर कंडेंस होकर के इस पे आराम से एडजॉर्ब हो जाती हैं, जबकि केमिकल में तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गैसेस आपकी एडजॉर्ब होंगी जो इससे केमिकली रिएक्शन कर पाए एडजॉर्बेंट सरफेस से, जो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा, वो इससे कभी भी एडजॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किस पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इज डिक्रीजेस। ऑब्वियसली कि आपको पता है कि यहां पर जो फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका होता है उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं थ्रू वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो जब इसको हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो यहां पे ऑलरेडी इनकी जो अक्यूमुलेशन हुई है वो कैसे हुई है, वीक फोर्स से हुई है। तो जब वीक फोर्स से अक्यूमुलेशन हुआ है तो हीट मिलते ही ये पार्टिकल वापस से डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज पार्टिकल्स एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद यहां से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वर्ड का मतलब बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर रिवर्सिबल वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर पार्टिकल इसके सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट हो गए हैं तो वो पार्टिकल इसकी सरफेस से वापस से रिमूव भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एडजॉर्प्शन अगर हो रहा है तो डिजॉर्प्शन भी पॉसिबल है। तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि जब टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस तो ये है ही, तो यहाँ पे जैसे ही इसको हीट मिलेगी पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स सरफेस से वापस से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मींस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपका एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। जब ये केमिकल हमें पता कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो यहां पर एक बार पार्टिकल जब केमिकली रिएक्ट कर जाता है तो उसके बाद उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। दैट मींस टेम्परेचर यहां पर हेल्प करेगा आपको। लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर केमिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस, केमिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या कहा आपने कि यहां पर ऐसा होगा कि जितना हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी देंगे, उतना ही ये पार्टिकल्स होगा वो उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके इस एडजॉर्बेंट सरफेस के साथ केमिकली रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि वी नो दैट बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनके अंदर आपको टेम्परेचर जो होता है वो आपको हेल्प करता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। और एज वी नो दैट कि केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो आपका इरिवर्सिबल है, एडजॉर्प्शन इसमें होगा नहीं, वापस से पार्टिकल रिमूव होंगे नहीं, तो यहां टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज ही होगा, ठीक है। एक और डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ में आ जाता होगा, ठीक है। एक्टिवेशन देखिए यहाँ पे, यहाँ कह रहे कि जब जब हम फिजिकल एडजॉर्प्शन करेंगे नो एक्टिवेशन एनर्जी इज
रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या कह रहे कि यहां पर ऑब्वियसली पार्टिकल जो होता है, ठीक है, उस पार्टिकल का जो एडजॉर्प्शन होता है सरफेस पर वो वीक बाउंड्रीवॉल फोर्सेस से होता है, तो इस टाइप के एडजॉर्प्शन के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं होती है पार्टिकल्स को, ठीक है। यहां पे लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यहां पे जो पार्टिकल्स होगा वो जब सरफेस पे एडजॉर्ब होगा तो उसके लिए एडजॉर्प्शन के लिए केमिकल रिएक्शन के लिए उसको टेम्परेचर एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो एक और पॉइंट हमारे पास में आया था कि इसके लिए हमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देखिएगा, इट विल फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। देखिए बड़े ध्यान सुनिएगा, एक और पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि जब हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहां देखेंगे क्या कि पार्टिकल जो होता है उसके ऊपर जो आपके एडजोर्बेंट पार्टिकल्स होंगे वो एडजोर्बेंट सरफेस पे वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, या वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस से क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स आकर के क्या हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक तो ये है नहीं नेचर में, इजिली आपके पार्टिकल्स एडजॉर्ब होते हैं वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस से, तो बहुत सारे पार्टिकल्स आकर के बहुत सारे लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना, डबल लेयर ट्रिपल लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका हो जाता है एडजोर्बेंट सरफेस के अराउंड। तो जब भी फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो यहां पर आपके पास में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर के फॉर्मेशन हो जाते हैं, जबकि जब हम बात करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन की तो पता है ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, केवल वो पार्टिकल ही केमिकली रिएक्ट करते हैं एडजोर्बेंट से जो इसके लिए रिएक्टिव होते हैं। तो सिंपली हम क्या कहेंगे यहां पर कि जो पार्टिकल्स हमारे पास में होते हैं एडजोर्बेंट पार्टिकल्स, वो जो केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं एडजोर्बेंट के साथ स्पेसिफिकली वो ही इसके साथ अटैच होंगे, तो यहां पे कहेंगे कि ओनली मोनो मोनो लेयर इज फॉर्म्ड। जो हमारे पास में यहां पे क्या होगा, सरफेस होगी हमारे पास में एडजोर्बेंट की, उसके चारों तरफ जो लेयर का फॉर्मेशन होगा वो आपका मल्टी नहीं होगा, मोनो लेयर का फॉर्मेशन यहां पर होता है। और एक और चीज बच्चों जो इसमें दोनों में सिमिलरिटी रखेगा वो आपको पता है क्या, कि जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एडजोर्बेंट सरफेस ये वाली है, फिर हमारे पास में एडजोर्बेंट सरफेस ये वाली है, फिर हमारे पास में ये बड़ी वाली सरफेस है, ठीक है, जैसे जैसे आपके पास सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास में चांसेस ऑफ एडजोर्बेंट पार्टिकल्स जिनका अक्यूमुलेशन होना है इस सरफेस पर वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे एडजोर्बेंट पार्टिकल्स जो होंगे ना वो इसकी सरफेस पे मोर एडजॉर्ब होंगे, क्या होंगे, मोर एडजॉर्ब होंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, चाहे वो केमिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे वो आपके पास फिजिकल एडजॉर्प्शन हो, दोनों ही एडजॉर्प्शन में सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे पार्टिकल्स का जो इस पे एडजॉर्प्शन होगा वो भी मोर होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारे पास में जो डिफरेंसेस थे बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, फटाफट से आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट आपका, अब फटाफट देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया अभी, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंसेस क्या होंगे आपके पास। सभी डिफरेंसेस हमने यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे अपना टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक टॉपिक हम देखेंगे बच्चों फटाफट से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। टॉपिक जो आपके पास में रहेगा दैट इज थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। कि हमारे पास में जब हम एडजॉर्प्शन किसी प्रोसेस को देखेंगे, जब कोई एडजॉर्बेंट पार्टिकल किसी एडजॉर्बेंट सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट होगा तो वहां पर थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी उसकी क्या रहेगी। थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी जिसमें हम एनर्जी चेंजेस के रिलेशन को डिस्कस करते हैं कि वहां पे एनर्जी में क्या चेंज आपके पास आने वाला है क्या नहीं, ठीक है। तो एज वी नो दैट कि थर्मोडायनेमिक्स सॉरी एडजॉर्प्शन जो आपके पास होगा वो क्या होगा, एडजॉर्प्शन में कोई भी हमारे पास क्या होता है, एक सॉलिड है, ठीक है, जिसकी सरफेस पर आपके पास में कोई भी गैसेस या लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आकर के अक्यूमुलेट होते हैं। कोई भी गैस हमारे पास है या कोई भी लिक्विड के पार्टिकल हमारे पास है वो इसके सरफेस पर आकर के आपके अक्यूमुलेट हो जाएंगे। जब गैसेस के पार्टिकल अक्यूमुलेट होते हैं तो देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था
स्टार्टिंग में जब गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स फ्री स्टेट में होते हैं तो दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, इनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। एज वी नो दैट कि गैसेस पार्टिकल्स के पास में सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं। जब पार्टिकल्स आकर के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गए हैं दैट मीन्स दे रिलीज एनर्जी, दे रिलीज एनर्जी। एंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई भी एडजोर्बेंट पार्टिकल्स रिलीज करता है ड्यूरिंग अक्यूमुलेशन ऑन एडजोर्बेंट सरफेस तो उसे बोलते हैं मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं इसे? मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो क्या कह रहे हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय वन मोल ऑफ एडजोर्बेट ड्यूरिंग अक्यूमुलेशन ऑन एडजोर्बेंट सरफेस नोन एज मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे उसे? मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, कि एक मोल एडजोर्बेंट पार्टिकल जब इसकी सरफेस पर आकर के अक्यूमुलेट होता है तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं? मोलर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। दैट मीन्स हमें सिंपली ये पता लग जाए बच्चों कि जब भी हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस करवाते हैं तो उस टाइम पे हमेशा पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, और एज वी नो दैट कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है दैट मीन्स वो प्रोसेस आपका कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो वी कैन से सो एडजॉर्प्शन जो है ना इज एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस हुआ? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया आपके पास में। कौन सा? एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में यानी कि 11th क्लास का जो हमारे पास टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स उसमें हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ी थी जो क्या होती है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये होती है हमारे पास में डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये इक्वेशन हमारे पास होती है और ये इक्वेशन जो है ना वो आपकी रिएक्शन जो होती है उसकी पॉसिबिलिटी को भी बताती है कि वो आपकी स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कोई भी रिएक्शन जो है वो अपने आप होती है या उसे करवाने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना होता है स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हम देखते हैं कैसे। जब हमारे पास में डेल जी की वैल्यू होती है ओवरऑल नेगेटिव तो रिएक्शन कैसी होती है बच्चों? स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस। जबकि डेल जी की वैल्यू अगर हमारे पास होती है बच्चों पॉजिटिव ओवरऑल तो रिएक्शन जो होगी वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और वही डेल जी अगर जीरो होता है तो रिएक्शन हमारे पास किसमें होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। किसमें होती है? इक्विलिब्रियम में। ये सब हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल जी पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल जी जीरो है तो वो आपके पास में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। तो अब यहां पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास में देखिए क्या होगा कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। एक चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट इज कि हमारा डेल एच जो है यानी चेंज इन एनर्जी, क्या बोल रहे हैं इसे? चेंज इन एनर्जी। ये प्रोसेस जो है ना वो हमारे पास हो चुका है नेगेटिव। क्यों हो चुका है नेगेटिव? बिकॉज हम देख चुके हैं कि एडजॉर्प्शन में जब भी पार्टिकल्स अक्यूमुलेट होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज होती है तो एनर्जी कम हो रही है तो जिसका मतलब डेल एच क्या हो गया आपका? नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक आपके पास हो गया है। ठीक है, अब एक चीज और है कि डेल एच क्या रहा अपने पास में तो मैं आपको बता दूं यहां पे डेल एच जो है ना वो भी आपका नेगेटिव हो चुका है, यानी डेल एच भी क्या हुआ आपका? डिक्रीजेस हुआ है। अब बताइए डेल एच डिक्रीज कैसे हुआ? उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेलेस होता क्या है। डेलेस आपका होता है एंट्रोपी चेंज। क्या होता है? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी सिस्टम के अंदर रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस जो होता है उसे हम बोलते हैं एंट्रोपी। जैसे हमारे पास कोई सॉलिड के पार्टिकल्स है जो बिल्कुल रेगुलरली फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं तो यहाँ पे जो आपके डिसऑर्डरनेस है रेंडमनेस है वो बहुत कम है तो यहाँ पे डेलेस जो है ना वो आपका रहेगा लो। जबकि हमारे पास में कोई गैसेस के पार्टिकल्स हैं दूर दूर जो रैंडमली एक दूसरे से मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा है तो यहाँ डेलेस की वैल्यू आपकी रहेगी हाई रहेगी। समझ में आ रहा है आपको एंट्रोपी क्या है? किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट पार्टिकल्स का रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस जो होता है उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। तो बच्चों बताइए
जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है तो पार्टिकल पहले रैंडमनेस थे क्योंकि गैसेस और लिक्विड के पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे थे, बट ये पार्टिकल ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन इसके सरफेस पर आकर के धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। इसका मतलब ही इनके रैंडमनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो डेलस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डेलस की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। बट जब हम बात करते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, किसकी बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमेशा बच्चों डेल एच जो होता है उसकी वैल्यू टी डेल एस से ग्रेटर होती है। किससे, टी डेल एस से। जब डेल एच की वैल्यू टी डेल एस से बड़ी है, समझ रहे हैं आप, तो इसका मतलब डेल एच आपके पास कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ओवरऑल हमारे पास में डेल जी जो होगा वो भी कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब जब डेल जी ही नेगेटिव आ गया है, देखो डेल एच की वैल्यू टी डेल एच से बड़ी है और डेल एच कैसा अपने पास में बच्चों, नेगेटिव है, तो डेल जी भी कितना आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव ही आ जाएगा। और जब डेल जी नेगेटिव आ जाएगा तो रिएक्शन जो है, प्रोसेस जो आपका है ना, वो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन देखिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन वाई एडजॉर्प्शन जो होगा इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोला गया आपसे, एक्सप्लेन कीजिए कि आपका जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन आपको करना है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि वेन एवर एडजॉर्प्शन इज टेक प्लेस ऑन द एडजोबेंट सरफेस देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज आउट, सो एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई डेल एच विल बी नेगेटिव। एंड अकॉर्डिंग टू द गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, एट नॉर्मल टेम्परेचर डेल एच इज ग्रेटर देन टी डेल एस, सो डेल जी ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव। इन इफ डेल जी इज नेगेटिव फॉर एनी प्रोसेस देन इट विल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस तरह से आपको पूरा आंसर रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सप्लेन वाई एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या एक्सप्लेन वाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स व्हेन अक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजोबेंट देन दे रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड ड्यूरिंग इन एनी प्रोसेस इफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज आउट देन इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को ये सोचना है कि ये तो था आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस, अगर मैं आपसे कहूं कि यही प्रोसेस आपका डिजॉर्प्शन होता, क्या होता, डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन में क्या होता है, इसे आप हीट देते हैं और हीट देने से पार्टिकल्स धीरे धीरे यहां से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब पार्टिकल रिमूव होंगे तो अगेन रैंडमनेस बढ़ेगी, तो डेल एच पॉजिटिव हो जाएगा, एनर्जी आप दे रहे हो तो डेल एच पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब डेल जी भी पॉजिटिव आ जाएगा और रिएक्शन या प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब डिजॉर्प्शन की बात करेंगे तो वो उल्टा प्रोसेस है इसका, जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, तो वो हमेशा होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एक्सप्लेन वाई डिजॉर्प्शन इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपकी थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी जो है एडजॉर्प्शन की वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फर्दर इस चैप्टर के पूरे नोट्स के लिए, इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर सर्च कर सकते हैं संस्कार एजुकेशन हब के नाम से, एज वेल वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप जाकर के इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एज वेल वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।